हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के ही साइकोलॉजिकल साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक परेशानियों का इलाज आज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत आप तक पहुँच रहा है। आज के वीडियो में एक टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। आप अक्सर मुझसे कहते हैं जोधपुरिया जी आप रोगों के बारे में बताते हैं, आप मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं, इससे हमारी साइकोलॉजी की जानकारी बढ़ती है। आप हमें कुछ ऐसे टिप्स भी बताया करें जिससे हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाएं। तो आज का वीडियो एक ऐसे ही टिप्स के बारे में है। अक्सर कर्मों के विषय में बात होती है, गीता में भी कर्मों के विषय में बात कही गई है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कर्म बंधन हमारे लिए किस प्रकार मानसिक परेशानियों का कारण बनते हैं। आज हमारे लिए कर्म समस्या नहीं है, कर्म तो हरेक इंसान करता है, लेकिन कर्मों से बंध जाना समस्या है और मानसिक परेशानियां सिर्फ और सिर्फ कर्म बंधनों का ही तो परिणाम है। क्या है कर्म और क्या है कर्म बंधन, इसकी डिटेल से चर्चा तो हम साइकोथेरेपी सेशन में ही कर पाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में इतना जान लें कि कर्म अंदर से फूटना चाहिए। कर्म करने के पीछे दो फोर्स होती है, एक फोर्स जो बाहरी है, जो दूसरों के द्वारा दी जाती है, फोर्स जो बाहर किसी कारण से हमें कर्म करने पर मजबूर कर रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और दूसरी फोर्स है इंटरनल फोर्स। कर्म अंदर से फूटते हैं, कर्म अंदर से फूटते हैं, कर्म अपने आप होते हैं, वहाँ कर्म होते हैं, कर्म का बंधन नहीं होता। यही मुक्ति का उपाय है, मानसिक परेशानियों से मुक्ति का उपाय है कि कर्म हो, कर्म का बंधन ना। कर्म जब अंदर से आते हैं, अंदर से फूटते हैं, तो फिर मानसिक परेशानियां नहीं होती, फिर खुशी होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कर्म किए वो अंदर से आए, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलते हैं तो वो अंदर का कर्म है, वो कर्म उनसे फूटा। विराट कोहली, आज जितने सिंगर हैं, महान साहित्यकार हैं, जो भी आज हम उस शख्स को जानते हैं जिसने दुनिया के अंदर बदलाव किया, लोगों की मानसिकता को बदलाव लाने में एक कदम बढ़ाया, वो वही इंसान है जिनके कर्म अंदर से फूटे हैं, अंदर से कर्म आए हैं, वो किसी बाहर की शक्ति या बाहर की फोर्स से प्रभावित होकर कर्म नहीं करते हैं, वो अंदर से कर्म बस आते हैं, जैसे फलों में बहते रहते हैं। फलों में बहना मानसिक मुक्ति का उपाय है। अगर फलों के खिलाफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहा है, करना पड़ता है, ये शब्द बार बार आ रहे हैं मन में कि मुझसे करवाया जा रहा है, मैं करना नहीं चाहता लेकिन धक्के से मुझसे करवाया जा रहा है, तो समझ लें कि कर्म बंधन आ चुका है। बस ये हो रहा हो कि बस होना हो रहा है, बस कर्म अपने आप झूम रहा है, अपने आप ही हो रहा है, तो वो कर्म अंदर से फूट रहा है, वो मानसिक मुक्ति का उपाय है। जो कर्म लोड लेकर के किए जाते हैं, जो कर्म बर्डन लेकर के किए जाते हैं, वो कर्म बंधन के तहत आते हैं। जो कर्म एक द्वंद के तहत आते हैं, लाभ हानि के द्वंद के तहत आते हैं, मान हानि के द्वंद के तहत आते हैं, अच्छे और बुरे के द्वंद के तहत आते हैं, ठीक गलत के जोड़े के रूप में आते हैं। जो कर्म इन दो द्वंद के कारण हो रहा हो, किसी से बचने के लिए हो रहा हो, लाभ को पाने के लिए, हानि से बचने के लिए, मान को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हानि से बचने के लिए, अच्छे को पकड़ने के लिए, बुरे को छोड़ने के लिए, ठीक साबित करने के लिए, बुरा छोड़ने के लिए हो रहा हो, तो समझ लें ये द्वंद कर्मों का आगे जाकर के बंधन बना देते हैं। ये कंडीशनिंग, ये कर्मों का बंधन जो इन दो द्वंद के बीच में है, वो हमेशा परेशानी का कारण बनता है। इसकी डिटेल चर्चा गीता थेरेपी के अंदर होती है कि हमारा कर्म किस प्रकार अंदर से हो और किस प्रकार हमारे अंदर कर्म फूटने लग जाए। तो जैसे ही हम फ्लो स्टेट में आते हैं, बस बहने की स्टेट में आते हैं, हवा जैसे बहती है, वैसे बहाव में जब जीवन आता है फिर शांति और खुशी प्राप्त होती है। आप मुझसे ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी अन्य साइकोथेरेपिस्ट
काउंसलर से बात कर सकते हैं। चूक न जाना ऑनलाइन मुझे कर्म बंधन के बारे में बताना। अगर आप मुझे जो कर्म धक्के से हो रहे हैं, जो कर्म दबंध के तहत हो रहे हैं, उन कर्मों के विषय में खुलकर चर्चा करते हैं तो गीता थेरेपी उन कर्म बंधनों को काटने में सक्षम है। फिर कर्म फूटने की बारी आती है। इसके अलावा अन्य सहायक थेरेपीज हैं, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT रैशनल इमोटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइको एनालिसिस है, इसके साथ साथ CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी और बहुत सारी साइकोथेरेपियां हैं जो मानसिक परेशानियों का इलाज आज बखूबी कर रही है। और खास बात यह है कि ये थेरेपियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग लेना बेहद आसान हो चुका है। आज हम फोन के ऊपर काउंसलर ढूंढ सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, क्योंकि साइको रिलेटेड पेशेंट हमेशा एक मन में भय बनाए रखते हैं कि वो किसी के पास जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। अगर वो दवाई लेते हैं, अगर वो काउंसलिंग साइकोथेरेपी लेते हैं तो लोग उन्हें गया हुआ समझेंगे, लोग उन्हें कहीं यहाँ से हिला हुआ ना समझ लें। ये ट्रोमा आज ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आज फोन के ऊपर काउंसलिंग लेना बेहद आसान है। आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, अन्य किसी से बात कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को अपने प्रिय मित्र बंधु परिवार के अन्य रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य करती है और आप इन वीडियोस के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।